कुक विद इकरा में आज मैं बनाऊंगी एक बहुत ही यूजफुल मसाला, बिहारी बोटी मसाला मैं बनाने जा रही हूँ। लेकिन ये सिर्फ बिहारी बोटी में नहीं है, बिहारी कबाब, बिहारी कीमा और बिहारी चिकन में भी डलता है। अगर बकरा ईद नहीं है तो हम इसे बिहारी चिकन भी बना सकते हैं। तो आज ये सारे मसाले जो मैंने यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, इसी मसालों से मैं बिहारी मसाला बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को। सबसे पहले इसमें जाएगा ये पेपरिका पेपर, ये कश्मीरी मिर्च कहलाती है, आप कश्मीरी मिर्च के नाम से ले सकते हैं। ये मैंने 3 कश्मीरी मिर्च ली है क्योंकि ये बहुत बड़ी है। अगर आप लोगों के पास थोड़ी छोटे साइज़ में तो आप लोग 6-7 भी ले सकते हैं। इसमें जाएगा 2 बड़े चमचे शाह ज़ीरा, जो ब्लैक क्यूमन होते हैं, और ये जाएगा इसमें बादियान के फूल 4 अदद, सफ़ेद ज़ीरा जाएगा इसमें 1 चमचा, और लाल मिर्च जाएगी साबुत वाली जो होती है 15-20 अदद ले लें आप, और तेज़ पत्ता इसमें जाएंगे 4-5 पत्ते मैंने ले लिए पूरे। और इसमें एक दो चीज़ें बहुत मेन जाएंगी, वो है ये पीपली, पीपली के मैंने 4 लिए हैं 4-5। ये कबाब में बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी किस्म के आप कबाब बना रहे हैं अगर बिहारी या कोई भी कबाब, उसमें ये ज़रूर लाजमी डलता है पीपली का। ये मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, एक ये इस तरह से दिखेगी अंदर से, यह आप लोगों को ज़रूर लेना है अगर आप लोग ये मसाला मेरा ट्राई करना चाहते हैं। तो इसमें जाएगी ये कबाब चीनी, ये 2 इंग्रेडिएंट्स इसके मेन हैं, ये हर कबाब में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसी से कबाब का असली टेस्ट आता है जी। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने नोट डाउन कर ली हैं, इसमें ये दोनों चीज़ें लाजमी जाएंगी, कबाब चीनी और पीपली। 4 अदद पीपली लेनी है हमें, ये बहुत ज़्यादा नहीं डालते क्योंकि इससे टेस्ट थोड़ा सा अगर ज़्यादा हो जाएगा तो टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। और ये 8-10 मैंने लौंगे ले ली हैं, लौंगे इसमें जाएंगी। ये सारे होल स्पाइसेस लेने हैं, इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। और उसके बाद इसमें जाएगा 3 बड़े चमचे खशखाश और 3 बड़े चमचे भुने हुए चने। ये भुने हुए चने बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, और लेकिन हम इसे जब ड्राई रोस्ट करेंगे सारे मसालों को, ये एक दफ़ा और फिर रोस्ट करके ही हम इसे डालेंगे। और ये एक आप दूसरी प्लेट देख रहे होंगे, इसमें है सारे गरम मसाले की चीज़ें। ये हम गरम मसाला अगर आप लोगों के पास पिसा हुआ रखा है तो आप लोग वही डाल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप लोग ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें जाएगा 2 बड़े चमचे सौंफ, 2 बड़े चमचे सफ़ेद ज़ीरा, ब्लैक कार्डमम, बड़ी इलायची 2 अदद, 2-3 इंच की हम दालचीनी ले लेंगे, सिनेमन स्टिक, एक हम लेंगे ये जवत्तरी जायफल, ये नट मैग है, और ये मेज़ है, ये जवत्तरी जायफल दोनों चीज़ें हैं, और ये हरी इलायची जाएगी इसमें, 8-10 ही हरी इलायची भी ले ली है, और ये एक आप अपनी रैंडमली ले सकते हैं काली मिर्च थोड़ी सी जितनी भी आपका दिल चाहे, ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कोई क्वांटिटी का इतना ज़्यादा वो है नहीं कि आपको गिन गिन के चीज़ें लेनी है, आप लोग अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, थोड़ी सी अप एंड डाउन हो सकता है जी। तो अब हम एक पैन ले लेंगे, कोई भी पैन ले सकते हैं आप लोग, उसमें मैं ऐसा ऐसा ही सारे मसाले डालूंगी और आप लोगों को दिखाती जाऊंगी। ये जो मेरे पास कश्मीरी मिर्च है इसको ये मैं हटा दूंगी और ये मैं ड्राई रोस्ट करने के लिए डाल दूंगी इस पैन में। उसके साथ साथ इसमें जाएगा ये तेज़ पत्ते जो मैंने अपने पास अलग करके रखे हुए हैं, 5-6 तेज़ पत्ते साबुत साबुत ले लेंगे क्योंकि हम इसे जार में डाल के पीसने ही वाले हैं। और ये साबुत लाल मिर्च 15-20 ले लेंगे हम, 1 चमचा इसमें सफ़ेद ज़ीरा जाएगा, 4 बादियान के फूल जाएंगे, या 8-10 लौंगे और शाह ज़ीरा, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डाल के ड्राई रोस्ट करेंगे। और ये जो दो चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई थी, पीपली और कबाब चीनी, ये दोनों चीज़ें हम लोग इसी के साथ डाल के ड्राई रोस्ट करेंगे। और ये जो दो चीज़ें मैंने रखी हैं यहाँ पे, भुने हुए चने और खशखाश, ये हम फ़ौरन अभी नहीं पीसेंगे क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत जल्दी भुन जाती हैं, खशखाश तो बहुत जल्दी भुनती है, इसलिए हम इसको बाद में डालेंगे। जब ये सारी चीज़ें थोड़ी सी हाफ रोस्ट हो जाएंगी उसके बाद हम ये दोनों चीज़ें डालेंगे, क्योंकि ये चने तो ऑलरेडी रोस्टेड हैं तो इसको फ़ौरन इसी के साथ भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जल जाएंगे। और ये जो है ये बहुत जल्दी, क्योंकि ये होती बहुत छोटी है तो इसको हम बाद में डाल के भूनेंगे। इसी के साथ मैं गरम मसाले की जो ये सारी चीज़ें हैं ये भी इसमें डाल के भूनूंगी क्योंकि ये सारी चीज़ें भी मुझे भून के ही पीसनी है, तो हम इसको इसी के साथ डाल देंगे। ये मैंने जवत्तरी जायफल डाल दिया, ये सौंफ, ज़ीरा, काली मिर्च, हरी इलायची और बड़ी इलायची और दालचीनी, सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए। अब मैं इसे ड्राई रोस्ट करूँगी, ड्राई रोस्ट करके लाती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि मुझे किस तरह से इसको
पीसना है जी। तो आप लोग देखिए मैंने इसमें चने और खशखाश दोनों चीज़ें डाल दी क्योंकि ये भुनना शुरू हो गया था। अब इसको हम चने और खशखाश डाल के भी थोड़ा सा भूनेंगे ताकि वो दोनों चीज़ें भी भुन जाएँ। उसके बाद मैं इसको ड्राई रोस्ट करूँगी। एक जो ड्राई कटोरी होती है हमारे पूरे ब्लेंडर के जार में, उसमें डाल के इसको हम पीसेंगे जिसमें हम ड्राई मसाले पीसते हैं। अब उसको पीसने की तैयारी करते हैं जी। आप लोग देख सकते हैं ये मसाले मेरे सारे भुन चुके हैं, ड्राई रोस्ट किए हैं मैंने। बहुत अच्छी इन मसालों की खुशबू आ रही है। अब इसको मैं जार में डाल के पीसना शुरू करूँगी। चने और जो खशखाश को मैंने एंड में डाली थी वो चीज़ भी भुन चुकी है अच्छी तरह से, उसमें से भी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको एक जार में ले लूँगी, उसमें मैं इसको डाल के पीसना शुरू करूँगी। मेरा जार थोड़ा सा छोटा है तो मैं इसमें आधा आधा करके पीसूँगी। आप लोगों के पास अगर जार बड़ा है तो आप लोग दो पूरा डाल के पीस सकते हैं। वैसे अमूमन ये कटोरियाँ जो ड्राई रोस्ट की होती हैं और ड्राई मसालों की होती हैं वो थोड़ी छोटी ही होती हैं, तो इसको मैं इसमें डाल के पीसना शुरू करूँगी। ये मैंने डाल लिया है, डाल के पीस के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसका फाइनल लुक क्या आएगा। ये देख लीजिए मसाला मेरा बनके तैयार हो चुका है। मैंने इसको एक बोल में निकाल के रखा है। आप लोग इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखिएगा। ये 5 से 6 महीने बहुत आसानी से चल जाएगा। और अगर आप लोग इससे रिलेटेड अगर आप लोग रेसिपीज चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आगे इससे रिलेटेड रेसिपीज़ आने वाली हैं, बिहारी बोटी, बिहारी मसाले की जितनी भी रेसिपीज होती हैं, बिहारी कीमा, वो मैं इस रेसिपी से आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। आप लोग ये बना के अपने घरों में रख लीजिएगा। और अगर आप लोग पाकिस्तान में नहीं रहते और किसी बाहर मुल्क में रहते हैं तो आप लोग खशखाश की जगह बादाम यूज़ कर सकते हैं। खशखाश की जगह बादाम को पीस लें, जिस तरह खशखाश मैंने ड्राई पीसी है इसी तरह से बादाम पीस के आप लोग इसमें डाल सकते हैं, सेम टेस्ट आएगा खशखाश वाला। और अगर आप लोग के पास कच्चा पपीता भी नहीं होता तो कच्चे पपीते की जगह आप लोग कचरी पाउडर डाल सकते हैं, क्योंकि मैं जब इससे रिलेटेड रेसिपीज़ बनाऊंगी आगे जाके तो मैं गोश्त के अंदर कच्चा पपीता लगा के ही बनाऊंगी। और अगर आप लोग को कच्चा पपीता नहीं मिलता तो कचरी पाउडर भी डाल सकते हैं। और अगर आप लोग मेरी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, ट्राई करने के बाद प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी बनी है, कैसी बनी है। और अगर मेरी कोई गलती होगी तो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर इसको आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।